मेरा नाम प्रहलाद कोले है। मैं तकनीकी अधिकारी कीटक विज्ञान केंद्रीय एकीकृत नाशक प्रबंधन केंद्र नागपुर, ये क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका जो कार्य है मेन, ये बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोकार्ड्स, उसके बारे में आपको मैं आज बोलने जा रहा हूँ कि ये ट्राइकोकार्ड्स क्या होते हैं, ये ट्राइकोकार्ड्स का उपयोग कौन से फसल में कौन से कीट के लिए उपयोग होता है और इसका बनाने का बड़े पैमाने पर बनाने का तरीका क्या है, उसके बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगती है, क्या क्या सामग्री लगती है, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ट्राइकोकार्ड बनाने के लिए अपने को जो भी कॉर्सेरा है, जो स्टोरगेनेट पेस्ट है कॉर्सेरा सिफ्रोनिका, राइस मॉथ बोलेंगे उसको, उसको बड़े पैमाने पर अपने को उसको संवर्धन या गुणन करना पड़ता है, मतलब मास प्रोडक्शन करना पड़ता है लैब लेवल पे। और उसका प्रोडक्शन करने के बाद जो उसके अंडे मिलेंगे, उसी के अंडे पर अपन ट्राइकोग्रामा का जो है परभ्यूकरण करेंगे, मीन्स पैरास्टाइजेशन करेंगे, उसके बाद ही अपना ट्राइकोकार्ड बन पाता है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कॉर्सेरा का प्रोडक्शन कैसा करना चाहते हैं, कैसा करना चाहिए, और उसके लिए लगने वाली जो सामग्री है मैं आपको सब दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने को लगेगा एक वुडन का बॉक्स, उसको और मैं आपको प्लास्टिक का भी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक का बॉक्स या प्लास्टिक का टब भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक प्लास्टिक का बॉक्स, वुडन का बॉक्स है, उसमें लगभग 3 से 2.5 kg ज्वार ज्वार इस टाइप की होनी चाहिए, जैसे कि ग्राइंडिंग, जैसे भरड़ बोलेंगे अपने इसको, भरड़ टाइप ज्वार होना चाहिए, ज़्यादा आटा टाइप का नहीं चाहिए। उसके बाद जब अपन आटा ग्राइंडिंग करके लाएंगे, उसको हम लैब लेवल पे हॉट एयर रूम में 100 डिग्री सेल्सियस अप टू 30 मिनट तक उसको हॉट एयर ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि उसमें से जो स्टोरगेन पेस्ट है वो मरना चाहिए। उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद प्रति बॉक्स 2.5 से 3 kg ज्वार में ये जो प्रोटीनिक्स दिख रहा है, ये प्रोटीनिक्स पाउडर 10 ग्राम प्रति बॉक्स, और ये जो ईस्ट दिख रहा है ड्राइस, ये 5 ग्राम प्रति बॉक्स, इसका अच्छे से घोल बना के वो ज्वार में मिक्स करना है। उसके बाद में उसमें 0.05% स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और वेटेबल सल्फर उसमें ऐड करना है, और उसको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से मिक्स करके वो ज्वार को प्रति बॉक्स में 2.5 से 3 kg ज्वार डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो कॉर्सेरा के अंडे हैं, जिसका आपने को प्रोडक्शन करना है उसी के आपने अंडे चाहिए। अगर वो अंडे आप डालेंगे तो ही उसमें कॉर्सेरा सिफ्रोनिका का प्रोडक्शन हो पाएगा। वो पूरा ये क्यों है कि ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि जो अपने मॉथ बनने वाले हैं वो हेल्थी होना चाहिए। अगर वो मॉथ अगर अच्छे से हेल्थी होंगे तो फ्यूचर में अपने को क्या है, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे पाएंगे, इसीलिए अपन न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देते हैं। और ये प्रति बॉक्स में ये जो मैं आपको अंडा दिखा रहा हूँ, ये 10 cc का ये क्यूबिक सेंटीमीटर है हमारा, उसको मेजरिंग सिलेंडर बोलेंगे, वो तो प्रति बॉक्स को अपने को आधा cc अंडा उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस टाइप से। अगर इसमें अंडे एक बार स्प्रेड कर दिया, अंडा स्प्रेड होने के बाद उसको जो भी उसका कवर है या प्लास्टिक का बॉक्स या टब यूज करेंगे, उसमें मसलिंग क्लॉथ भी लगा सकते हो, और ये लगाने के बाद ये बॉक्स को आप स्टोर रूम में रखना है, उसके ऊपर डेट मेंशन करना है, जिस दिन आपने बॉक्स बनाया है उसी दिन की डेट उसमें मेंशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये बॉक्स कब चालू होने वाला है, क्योंकि कॉर्सेरा का जो पूरी स्टेज है, लाइफ साइकिल है पूरी, अंडा से लेकर इल्ली की जो भी 4-5 स्टेज है, फर्स्ट इंस्टा, सेकंड इंस्टा, थर्ड इंस्टा, वो पूरी स्टेज इसी के अंदर कंप्लीट होती है, फाइनली इसका कोज बन जाता है और अपना फाइनल प्रोडक्ट है पतंग, या उसको बोलेंगे अपन कुकुन, वो मिलेगा। उसको मिलने के लिए लगभग जब आपने बॉक्स बनाया उसके बाद 35 से 40 दिन लगेंगे। 35 से 40 दिन के बाद अपने को इसमें से कॉर्सेरा का पतंग मिलेगा, ठीक है।